So, पहला एक्सपेरिमेंट जो हम करने जा रहे हैं वो है एक्सपेरिमेंट नंबर वन, नाम लिख लेते हैं। इट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको फोटो करंट बोला जाता है क्योंकि फोटॉन्स की वजह से आता है। जो लाइट गिर रही फोटॉन्स, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो करंट मिलता है उसको बोलते हैं फोटो करंट। नाम दे दिया गया है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसकी प्री रिक्विजिटी क्या है कि हम क्या चाहते हैं, दैट एट कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड। तो फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखते हैं। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने का बस यही तरीका है कि जो भी लाइट है कलर है वो सेम रहे, कलर मत चेंज करिए। और इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तभी ये स्लिट आई थी। स्लिट को आप वाइडन कर देंगे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और स्लिट को कम कर देंगे इंटेंसिटी घट जाएगी। तो स्लिट का कितना आप स्लिट को वाइडन कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं उसकी विड्थ को, उससे आप इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। तो देखा यह गया कि लाइट जब इस पे गिरती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो चाहिए आपको जिस पे कि जिससे कि एमिशन स्टार्ट हो जाए, जिसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं एनर्जी, और उस एनर्जी से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लेंगे फिर इन्फ्रेंस करेंगे। तो हुआ क्या, व्हाट डिड वी सी एज द इंटेंसिटी, ऑब्जर्वेशन क्या हुई, ऑब्जर्वेशन एज द इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड द फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब फोटो करंट कैसे हो सकता है इंक्रीज, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और यहां पहुंच गए, इसी की तो गारंटी हो गई। इसका मतलब देखो, बीच में तो एयर है ना, अगर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, ऐसी कोई दुनिया में चीज़ें नहीं होती फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो करंट आता ही नहीं। अगर करंट आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, उसी तक पहुंचा होगा, और इंटेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचे होंगे। इसका मतलब लाइट की जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकलते हैं, यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाते हैं। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ जाना। ठीक है, सो एज द इंटेंसिटी इज इंक्रीज द फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीज। तो हम ग्राफ इसका बना लेते हैं, इंटेंसिटी हम कैपिटल आई से दिखा देंगे और करंट को हम स्मॉल आई से। ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट आएगा। ये सिंपल सी कहानी है इसकी। और यहाँ पे बात ध्यान रखें, हमने वोल्टेज चेस वोल्टेज अगर कहीं मान लो कहीं पे भी की हो, किसी भी वोल्टेज पे फिक्स कर दिया हो, उसको नहीं छेड़ा है। फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखी है, चाहे लिख भी लें एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई एंड सी ऑल्सो कांस्टेंट। ये भी ध्यान रखना है, इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स नहीं करना चाह रहे हैं अभी। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से हमें ज़्यादा करंट भी मिलता है। इसका मतलब सीधे अब कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है दैट ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन प्लेट ई पर यूनिट टाइम। देखिए, एक फोटोमेट्री करके भी ब्रांच होती है फिजिक्स में, फोटोमेट्री, वो पहले पढ़ाई जाती है, तब आपको पता होता है कि हाँ इंटेंसिटी का मतलब ये भी होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन अ सर्फेस पर यूनिट टाइम। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो ये कैसे पता है, तो ये फोटोमेट्री, इसको बाद में लेंगे, ज़रूर लेंगे हम इसको, लेकिन अभी मान के चलिए कि इंटेंसिटी का, ज़्यादा इंटेंसिटी का मतलब होता है ज़्यादा फोटॉन्स। सो ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन प्लेट ई पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस, हैंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटिंग ऑल्सो इंक्रीजेस हैंस आई. तो आई भी इसीलिए इंक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचते हैं ज़्यादा इंटेंसिटी की वजह से, ज़्यादा फोटोन निकलते हैं, ज़्यादा फोटोन इंट करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और हमारा करंट ज़्यादा दिखेगा. इसी के कंटिन्यूशन में एक्सपेरिमेंट टू भी किया गया. एक्सपेरिमेंट टू अगले वीडियो में.